नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के सिंधवा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एसडीएम कार्यालय में ध्वजारोहण के दौरान सिंधवा एसडीएम आईएएस तपस्या परिहार और तहसीलदार एसआर यादव ने हर्ष फायर की, जिसके बाद यह घटना शहर में चर्चा का विषय बन गई। वहीं इस मामले में कांग्रेस विधायक ग्यारसी लाल रावत और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र मोतियानी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने की मांग की है। वहीं बात की जाए तो थाना प्रभारी तुरसिंह डावत का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सिंधवा शेर थाने में हम लोगों ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई है। गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण के बाद में सेंधवा एसडीएम परिहार जी ने जो एक जेल के पहरी से लेकर एक राइफल लेके उन्होंने जो हवाई फायर किया है वो बहुत ही निंदनीय है। और इस प्रकार का जो इन्होंने कार्य किया है वो एक बहुत ही जवाबदार पूर्ण अधिकारी को शोभा नहीं देता है। ऐसे वक्त में कोई घटना घट जाए तो बहुत ही दुर्परिणाम उसके सामने आते हैं, इसलिए हम लोगों ने इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए तहसीलदार और एसडीएम के खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए हमने एक पत्र भेजा था। ग्यारसी लाल रावत जी ने एक शिकायती आवेदन दिया है जिसमें जो है एसडीएम महोदय और तहसीलदार के द्वारा जो है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जो हवाई फायर किए हैं, हॉर्स फायर किए हैं, तो उस संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। उसकी जो है जांच की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे और वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराकर जो है आगे जांच की जाएगी। क्या लिखा, क्या आवेदन का दिया विधायक ने? उन्होंने दिया है कि जो है उन्होंने हर्ष फायर किया है तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होना चाहिए।